देहरादून से ताजा खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम को लेकर यहां चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 5 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क रहने के, यानी कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में जहां बादल छाए रहेंगे, वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। शुष्क रहने की संभावना आज 31 तारीख से लेके अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल जो ऊंचाई वाले स्थान है उत्तराखंड के, वहां पे जो है दोपहर के बाद हल्के बादल छाने की संभावना है। तो उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों में मौसम जो है शुष्क रहेगा। अभी उत्तराखंड में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं, और जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले 3 दिनों में जो अधिकतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ गए हैं देहरादून से। सागर, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तैयारी क्या कुछ दिखाई दे रही है? अगर वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, वो क्या कुछ कह रहे हैं? वैज्ञानिक के अनुसार जो है वो अगले 2 से 3 दिन जो है वो मौसम प्रदेश में शुष्क बना रहेगा। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है वो मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बादल जरूर छाए रह सकते हैं। इसमें मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि आगामी समय में जो है वो गर्मी बढ़ेगी और अधिकतम तापमान से, हालांकि अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान से 2 से 3 डिग्री जो है वो राहत मिल सकती है, लेकिन आगामी समय में साफ तौर पर गर्मी के संकेत जो है वो मौसम विभाग ने दिए हैं। जी बिल्कुल। और मौसम विभाग की तरफ से जो ये चेतावनी जारी की गई है, लू को लेकर भी क्या चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, अब 5 दिन की ये चेतावनी है। बिल्कुल, 4 से 5 दिन की मौसम विभाग ने जानकारी जो है हाल ही में मुहैया कराई है। अगर बात की जाए कल की, तो कल जो था वो 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। कल देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान जो था वो दर्ज किया गया। अगर हम आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो 4 से 5 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार जो है वो मैदानी इलाकों में जो है वो शुष्क रहेगा मौसम, और पहाड़ी इलाकों में हालांकि बादल छाए रहने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में साफ है कि आगामी समय में डबल अटैक जो है, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ गर्मी का सिस्टम लोगों पर भारी पड़ सकता है, और आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने इस तरीके की संभावनाएं जारी की है। जी, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आपको दिखाई दे रही है लोगों की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, फिलहाल स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी यहाँ पर जारी नहीं की गई है। अगर लोगों की बात करें तो लोग जो है वो खुद से अपना गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तमाम तरीके से जैसे कि मास्क और तमाम तरीके से अपने आप को ढककर चलना और तमाम जो भी सुरक्षित चीजें हैं उनका इस्तेमाल गर्मी से बचने के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आगामी 4 से 5 दिनों में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में जो है वो बादल छाए रहेंगे। मतलब साफ है कि मैदानी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी मौसम विभाग ने की है, और लोगों से जो है वो सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। बिल्कुल सागर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।